डायरेक्टली या जो भी है हिडन लेवल के बेसिस पर आपको निकाल सकते हो, साइको एंड फिबोनाची के बेसिस पर आपको निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को, जब मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे ना कि भाई यहाँ पे फिबोनाची ने 38 से सपोर्ट ले रहा है, 50 सपोर्ट ले रहा है, क्या मैं बाई कर लूँ, यहाँ पे आप बाई नहीं करोगे, समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट है डाउनवर्ड। तो आपको जो भी दिखाया था आपकी 18 अक्टूबर को जो फिबोनाची से 38% पे आ गया था, 50% पे आ गया था, एक काम कर लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे गलती से आप बाई मत करना, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट इज बियर साइड के, क्लियर। तो पहले सेंटिमेंट को पकड़िए, सेंटिमेंट को पकड़ने के लिए आपको तीन बता दिया, तीन क्राइटेरिया है सेंटिमेंट को पकड़ने के लिए, उन तीनों क्राइटेरिया को आप फॉलो करिए और मार्केट का सेंटिमेंट को आप पकड़िए, ठीक है। यस ओके सर। सर, ठीक है, बाकी चीज जो भी रह गया कल हम उसको डिस्कस करेंगे अलग से। नहीं सर, आज आज का बैंक निफ्टी का बताइए। बैंक निफ्टी का बता तो दिया था, नहीं सर, आज का ये मतलब आज का जो बैंक निफ्टी सर वो जो एक तरफा कॉन्स्टेंट हाँ था, फिर वहां पे कंसोलिडेट किया, फिर वो वापस गिर गया हाँ सर, मतलब लेवल के नीचे आके साइकोलॉजिकल लेवल। 36,000, और थर्टी सर सिक्स एक तरफा, हाँ एक तरफा मूव देके गिर गया सर। आपने भी कहा था सर कि बाइंग बनेगी, लेकिन बनी नहीं। नहीं, बाइंग बनेगी नहीं बोला मैंने, बोला कि नहीं मैं नहीं, मेरा मतलब था कि आप बाइंग की तरफ थे, मतलब मैं बाइंग की तरफ था, लेकिन हाँ यहाँ पर जैसे ये जो सिचुएशन आ गया, जब जब मैं बाइंग की तरफ तब था मैंने, जब यहाँ तक था प्राइस, बट जैसे ही देखा कि यार, उसके बाद मैं मार्केट से काफी देर से मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल को ब्रेकआउट देखना, ये जो लेवल है ना 36 का, इसको ब्रेकआउट की मैं कोशिश कर रहा था। रिजल्ट क्या था, क्योंकि उसने वन साइडेड मूवमेंट दिया था, उसने वन साइडेड मूवमेंट दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वन साइड मूवमेंट के बाद यहाँ पे रुकेगा, और उसके बाद जैसे ही अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगा तो मैं बाइंग की तरफ मेरा व्यू बनेगा, बट उसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया। जैसे आप लोगों को बताता हूं ना कि अगर मान के चलो वी शेप रिकवरी है, नीचे की तरफ आता है, वन साइडेड मूवमेंट दिया है, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, उसके बाद यहाँ पे वो सस्टेन करता है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो मेरा व्यू क्या हो जाएगा, बाइंग साइड का होगा। सिमिलरली क्या बताया था कि अगर वो डायरेक्टली सीधा ब्रेकआउट देता है और उसके बाद सस्टेन करता है और ब्रेकडाउन जैसे देगा तो मैं यहाँ पर पुट ले लूंगा, तो मेरा सिमिलरली यहाँ पे कॉल बाइंग की था, बट उसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया। और आप रीजन पूछ रहे हो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ब्रेकआउट देगा लेवल को और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो मैक्सिमम टाइम नीचे गिरता है, अगर वो अपसाइड में निकल जाता है तो मेरा वहां पर बाई का नहीं बनेगा, है ना, काफी कम बार होता है अपसाइड निकल जाता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। और ये भी बताया था कि मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पर डाउन था, तो इसलिए इस रीजन के वजह से वो नीचे आया था, इस रीजन के वजह से यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, ये अपसाइड की तरफ नहीं गया, बट ये बाइंग के व्यू मेरा तब था जब यहाँ से ऊपर ब्रेक देगा तो, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं दिया तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बाई करने का, मार्केट का सर तो सेंटिमेंट। ब्रेकआउट तो नहीं दिया और ना कोई बुलिश पैटर्न बनाया, तो ये कंफर्म कैसे हो गया आपको कि ये अब ऊपर जाएगा ही नहीं? नहीं ऊपर जाएगा नहीं, आपको दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम, उसके बाद मैं देखा कि यार कोई मतलब नहीं है मार्केट में रहने का, फिर मैंने अरे बता दिया क्या, फिर मैंने चला छोड़ो आप, टाइम हो गया मेरा भी, फिर निकल गया था मैं 36,000, ये ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा था मुझे, चीजों को ध्यान से देखना आप, ये था इस तरह चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ तक मैंने वेट किया प्राइस को, नीचे भी नहीं जा रहा था, देखिए नीचे ने बोला ही था ना कि नीचे की तरफ में मूड नहीं है जाने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसने ये बनाया था, हेमर बनाया था, नीचे आया था, नीचे आया नहीं था, ठीक है, हेमर बनाने के बाद भी यानी सेलिंग यहाँ तो हो रहा था, बट तब भी उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वो प्राइस नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, कंटिन्यू लोगों को फंसा रहा है, कुछ लोग मतलब रेंज बना रहे हैं, कुछ लोग कॉल बाई करेंगे, कुछ लोग पुट बाई करेंगे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि प्राइस कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे उसने एक हायर फॉर्मेशन शुरू किया था, बट हायर फॉर्मेशन किस तरह का शुरू किया था, मुझे पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मुझे पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जब हमने देखा कि यार हायर फॉर्मेशन शुरू किया था बट स्ट्रांग नहीं है, जो अपने जो ये जो है स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो मैं समझ गया था यार मार्केट में कोई मतलब मजा नहीं आ रहा है उसके बाई साइड के भी, क्योंकि इतना टाइम तक वो तो अपसाइड में जाना चाहिए था, तब मैंने सोचा कि छोड़ो उसको, अब वो अगर जाएगा भी अपसाइड की तरह उतना नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी है ना तो उतना नहीं जाएगा अपसाइड। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो भी है ये तो पार तो नहीं था,
ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो नहीं है, बट तब भी सप्लाई जोन तो है, अगर जाएगा ऊपर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जा सकता है, फिर आप मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब देखा मैंने इतने टाइम तक तो रुक गया वो मार्केट यहाँ पर, तो मेरा व्यू यहाँ पे फिर छोड़ो मार्केट से निकल जाता हूँ, ये था रीजन। अब ये 30s को ब्रेक करके गिरा क्यों था, आपको बता दिया था कि यहाँ पर एक, ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो अभी डिस्कस किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसी चीज को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, चलो 50 मिनट का कर देता हूँ या 1 आवर का करता हूँ, देखता हूँ 1 आवर के क्या है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे आपने कि विदाउट एनी रिट्रेसमेंट सीधा उसने ब्रेकआउट यहां से निकल के वहां चला गया, ये फाइनली उसने यहां पे रिट्रेस किया था फिर ऊपर गया था, लेकिन यहां से यहां तक जो मूवमेंट दिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, कोई रिट्रेसमेंट यहां पे किया था? नो सर। आप सवाल पूछोगे क्या मुझे क्या पता रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है यहां पे तो रिट्रेसमेंट दिख रहा है ना आपको छोटा सा, यस सर। तो मैं यहां पे फिबोनाची लगा के देखता हूं मैं क्या क्या उसने फिबोनाची के बेसिस पर रिट्रेस किया था या नहीं किया था, ये मुझे चेक करना है। कहां है 30% बताइए, है ही नहीं। नहीं किया। चलो मैं एक काम करता हूं यहां से ले लेता हूं, अभी भी नहीं किया, 30% नीचे रह सर गया। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि रिट्रेसमेंट जो आप ये सर बोल रहे हो अगर जैसे गैप अप हुआ है तो हम लास्ट वाले स्विंग, आपने पहला रिट्रेसमेंट नीचे वाले से लिया है तो ठीक है सही वाला रिट्रेसमेंट कहाँ से होगा? सर, अगर चलो आप ये पकड़ते हैं तब तो वहां पे इवाना टाइम फ्रेम में वो सर वो जो डोजी बना है वो 38% तक रिटेस्ट लिया था सर। हाँ ये तो वाला डिप, इसको नहीं, ये नहीं रिट्रेसमेंट, इसको नहीं बोलते, बीच में एक दो रेड कैंडल आ सकते हैं, इसकी रिट्रेसमेंट ये है, ये है एक दो कैंडल के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है कैंडल, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ये वाला एक दो कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, यानी इसका कुछ मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि प्राइस से थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस से थोड़ा सा ऊपर गया और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, ज्यादा नहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इसको बोलते रिट्रेसमेंट, इसको बोलते प्राइस करेक्शन, ठीक है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ तो क्या प्रॉफिट बुकिंग है, तो नीचे आया था बाइंग हो गया था, यहाँ पे इसको रिट्रेस थोड़ी बोलेंगे। रिट्रेस ये देखिए जैसे ये ऊपर गया थोड़ा सा रिट्रेस लिया, ऊपर गया थोड़ा सा रिट्रेस लिया, एक स्विंग बनाना चाहिए ना, यहाँ पर स्विंग थोड़ी है, स्विंग क्या है, स्विंग तो यहां से लेके ये है ना स्विंग मेरा, बताइए हाँ स्विंग बनना चाहिए ना, या स्विंग तो ये है, तो अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां से भी लेता हूं मैं, एक्चुअली बनता बनना चाहिए यहां से, ठीक है अगर मैं यहां से भी लेता हूं मैं तब भी मेरा दिख रहा हूं कि 30% ये आ रहा है, प्राइस वहां तक स्विंग लॉक में आया ही नहीं था, दैट मीन्स ये फिबोनाची के बेसिस पर कोई भी रिट्रेसमेंट प्रॉपर रिट्रेसमेंट उसने नहीं लिया, डायरेक्ट विदाउट रिट्रेसमेंट, विदाउट रिट्रेसमेंट उसने जहां तक लेना चाहिए था फिबोनाची पे वहां तक नहीं लिया, सीधा ऊपर निकल गया। अब देखिए यहां पे लिया, जब यहां ले लिया तो चलो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं, अभी भी देखिए नहीं आया प्राइस, अभी भी देखिए प्राइस आया ही नहीं, दैट मीन्स चलो मैं यहां से लगा देता हूं, ये 38% पे आया, दैट मीन्स ये जो मूव था, ध्यान से सुनना, ये जो मूव था ये जेन्युइन था, बट यहां से जो ये जो विदाउट रिट्रेस पे जो मूव दिया है वो बेकार निकल गया, तो ध्यान बार बार बोलता हूं, और वो भी क्या है 37 को ब्रेक किया, सोचो चीज को आप, ये जो चीज है ना ये जो रिट्रेसमेंट दिया तो बाद में दिया है ना, पहले ये जो ब्रेकआउट दिया था किसको ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए कौन सा लेवल था, ये सर साइकोलॉजिकल लेवल था। और डायरेक्ट उसे ब्रेकआउट दे रहा है, इसको कैसे ब्रेकआउट देना चाहिए था, सर रिट्रेसमेंट करता रिट्रेसमेंट मतलब इस तरह यहां पे जाएगा और 38 का कहां पे अपना है, 37 का है ये बाद सेवन का, यहाँ पे प्राइस आना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट देना चाहिए, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, तो यानी प्राइस वहां तो आना चाहिए और वो आ गया, अभी जो समझाया था थोड़ी देर पहले कि ब्रेकआउट दिया प्राइस तो वहां तक आएगा ही आएगा, रूल है बस को आना था, लो प्राइस को यहाँ पे कंसोलिडेट किया उस लेवल के ऊपर, अगेन प्राइस नीचे आ गया, जहां पे जहां से गया था वहीं पे आ गया, जहां से गया था वहीं पे आ गया, वो अपने आप देख लो। मतलब सर यहाँ पर ये थ्योरी बनती है कि अगर रिट्रेसमेंट के मतलब बिना रिट्रेसमेंट के अगर वो ऊपर जाता है तो उसी लेवल पे दोबारा आ जाएगा। आएगा अगर साइकोलॉजी के लेवल है,
अच्छा वन साइड मूवमेंट, ये देखिए वन साइड मूवमेंट, ये देखिए वन साइड मूवमेंट देख रहे हो। हाँ जी सर, ये देखो आ गया, एक केस नहीं बहुत सारे केस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये देखिए साइकोलॉजी के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था ना, ये साइकोलॉजी के लेवल के तो ब्रेक डाउन दिया था, यहाँ पर दिया था ना ब्रेक डाउन यस सर, जो सही नहीं था जो आगे ऊपर, तो बाद में क्या होता है अलग बात है, बट उस लेवल तक एक बार प्राइस आता है, थोड़े बहुत ऊपर चलता है 50 पॉइंट्स का 100 पॉइंट्स का, बट थोड़ा बहुत चलता है बट आता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर देखिए, आप मैं कितने सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई, ये देखिए 40,000 का है लेवल, इसको ब्रेकआउट दिया है, आया नीचे, आया ना नीचे, वन यस साइडेड ब्रेक, वन साइडेड देखिए वन साइडेड। आप यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे तो हो सकता है कि 5 मिनट पे यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखेगा आपको इस तरह, तभी मैं बोलता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम में चेक करिए। और कितने एग्जाम्पल आपको ढूंढना है देख लीजिए, ढूंढ लीजिए आप पूरी ढूंढ लेंगे आप। ये देखो ये क्या था, ये वन साइडेड नहीं था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 38,000 का लेवल है, यह देखिए 38,000 का लेवल है, आ गया नीचे जहां से गया था वहीं आ गया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सर। तो बहुत सारे हैं, ये मार्केट के सेंटीमेंट ही है, इसी को बोलते हैं मार्केट के सेंटीमेंट जो। अच्छा ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? अरे नहीं सर, सर बंद कर दे सर। अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लास्ट के जो है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो इस टाइप ये तभी तो बोला था आपको कि जो आपको एग्जांपल दिया था कि मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ने के लिए चार मेन पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के बेसिस पर मार्केट के सेंटीमेंट मुझे पता चलता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अब मैंने देखा है मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर का सेंटीमेंट निगेटिव था, 1 आवर का टाइम फ्रेम निगेटिव है। अब जब मैं हायर टाइम फ्रेम लूंगा तो हायर टाइम फ्रेम में क्या होगा, सेम एग्जाम्पल होगा। अब मैं 1 डे का चार्ट दिखा देता हूँ, ये लो 1 डे का चार्ट है, 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहां से जो ये मूवमेंट आपको दे रहा है फिबोनाची के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ये मूवमेंट, ये जो रिट्रेसमेंट है ना, यहां से लगाओगे यहां तक तो आपको दिखेगा 38 से रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। यहां पे लगाओगे यहां से लेके यहां तक करोगे ना तो देखोगे आप 50% रिट्रेसमेंट लिया है, यानी ये कॉम्प्लीट एक रिट्रेसमेंट सही था, बट यहां से क्या था ये बताओ जरा। सर वन साइडेड, वन साइडेड, किसी को डाउट है? नो सर। ये क्या ये रिट्रेसमेंट है फिबोनाची के बेसिस पर? नो सर, नो सर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता तो मैं अगर यहां से लो टू हाई अगर लगाता तो शायद 50% मेरा कहीं यहां आता, 30% कहीं यहां आएगा, और ये कोई स्विंग तो नहीं है। तो वहां से जब मूवमेंट देगा तो प्राइस पर तो वहां तक आना ही है, लो आ गया। और आप लोगों को याद भी होगा जब प्राइस यहां पे था तो मैं क्या बोला था, याद है किसी को? जब प्राइस यहां पे था हाँ सर, क्या बोला था मैंने? अब मैं आपको वो दिन याद कराऊंगा, क्या बोला था बताइए सर? आपने ये लेवल दिया था कि ऊपर जाएगा, जाने दीजिए मार्केट को यहां तक, फास्ट टारगेट, फास्ट टारगेट मैंने ये दिया था, याद है किसी को? जाके वीडियो को चेक कर लेना, फास्ट टारगेट में ये दिया था, वीडियो को चेक कर लेना जाके आप। मैं बोला था 37,500 फास्ट टारगेट, सेकंड टारगेट मैंने ये सेकंड टारगेट का दिया था, ठीक है। अब मैंने किस लिए दिया था, आप समझ में आ गया आपको लॉजिक? ये yes, और ये yes, सर। मार्केट ऊपर जाएगा जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आएगा जरूर यहां तक, इसको आना है, क्योंकि उसने मार्केट के सेंटीमेंट यही है, जब से उसने वन साइड मूवमेंट देखे यहां पर उसने आ चुका है, आप समझ में आ गया कि सेंटीमेंट क्या है। अब मार्केट गिरेगा थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट उसको आना तो यहां तक है ही है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मार्केट के सेंटीमेंट को काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये देखो ये क्या है बताइए, वन साइडेड है, वह होना क्या था? नेक्स्ट टारगेट कहां तक आएगा, नेक्स्ट टारगेट कहां तक आएगा, आ गया बस। तो ये बाद में ऊपर जाएगा, ये नहीं कह रहे ऊपर नहीं जाएगा, बाद में जाएगा, बट वहां तक उसको उसने माथा टेकना है, उसको वो माथा टेक के जाएगा यहां तक, ये ध्यान रखना, ये आएगा जरूर यहां तक। मंडे का सेंटीमेंट क्या नेगेटिव ही है? मंडे का सेंटीमेंट देखता हूँ मैं, एक मिनट, अरे मुझे लेट भी हो रहा है, चलो 5 मिनट देता हूँ आप लोगों को। मंडे का सेंटीमेंट, सेंटीमेंट क्या करना है 15 मिनट का, कल डिस्कशन कर लेंगे सर। अच्छा हाँ, अरे मंडे का सेंटीमेंट तो है, बीच में तो है, 2 दिन है, टेंशन मत लीजिए आप,
है ना, कल परसों डिस्कशन कर लेंगे। मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आ चुका है, किसी को डाउट नहीं है? नो डाउट सर। आप ये सेंटीमेंट ध्यान रखना, अगर मैं ये देखिए 50 मिनट के टाइम फ्री में, तब मुझे यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, 50 मिनट के टाइम फ्री में मैंने 1 आवर पे क्या दिखाया था, कोई रिट्रेसमेंट नहीं था, सीधा गया और 37 के ऊपर सस्टेन किया, प्राइस वहां तक आ गया, टारगेट तो मेरा हो चुका था। और देखिए जहां से गया था, ध्यान से देखो, जहां से उसने वन साइड मूवमेंट दिया था, प्राइस वहां पे आने के बाद वहां पे क्या किया उसने, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ये देखो मूवमेंट स्टार्ट किया था, प्राइस अगेन जब वहां पे आ चुका था, यानी टारगेट जब फुलफिल कर लिया था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, देख रहे हो आप? जी सर। तो इस तरह चलता है यह मार्केट का सेंटीमेंट। तो ये चीज क्या है, रिटेल ट्रेडर को समझ भी नहीं आता, वो जहां ब्रेकआउट देता है बाई कर लेते, ब्रेकडाउन देते हैं बाई कर लेते। अब जैसे ये एग्जांपल है, मैं आपको ये देखो, जैसे उसने देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, मैं कहां की लाइन गई, ये देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, अरे ये क्या हो गया, ट्रेंड लाइन कहां गई, ये रही लाइन को थोड़ी सी पतली कर देता हूं, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, दिया ना ब्रेकआउट, यस सर। अब नेक्स्ट दिन क्या करेंगे लोग बताइए आप, इस दिन तो मार्केट बंद हो गया, नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, मार्केट ओपन होते ही बाय करेंगे, बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, है ना। और मार्केट ने क्या दिखा दिया, गया वहां से सीधा गिरा। अब क्यों गिरा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट है, मैं ऊपर जाने वाला नहीं हूं, मैं मुझे नहीं जाना ऊपर, क्योंकि मैंने 37 का एक लेवल क्रॉस कर चुका हूं, मैं मुझे नहीं जाना है। और यहां से ही क्यों गिरा, इसका रीजन आपको ये बताएगा, यहां से क्यों गिरा, ये डिस्कस भी किया था आपको, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां कहीं आ रहा था, आ रहा था ना, यस सर। तो यहां से क्यों गिरा था, ये रीजन था आपको, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन यहां से क्यों गिरा था, ठीक है। अब ये जो जा रहा था ना वो अपसाइड, ये है ट्रैप, कि मार्केट को टारगेट है, जैसे देखिए वन साइडेड जब मूवमेंट दे दिया था ना, तो मार्केट का टारगेट क्या बन गया था, मार्केट का टारगेट बन गया था ये, प्राइस जितना जाएगा जाने दो, आएगा उतना वहीं पे, यहीं पे आएगा, उसके बाद जाना है जाएगा, उसके बाद अपसाइड जाना है तो जाएगा, ये सपोर्ट बनेगा। आप प्रीवियसली आप देखे होंगे, आया था सपोर्ट लिया था, बट यहां पे उसने ब्रेक कर लिया। तो इस तरह चलता है प्राइस एक्शन, आपको एक नहीं काफी हजारों क्वेश्चन में आपको दिखेगा, मैं थोड़ा 1 आवर करके दिखाया था, 1 आवर करके दिखाया तो आपको 2-3 एग्जांपल, और अगर टाइम हो रहा तो छोड़ देता हूँ, छोड़िए सर, छोड़ दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है ना, और कोई नो सर, नो सर, आज के लिए छोड़ दीजिए, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है कंटिन्यू कर लेंगे। ये बहुत देखिए आप, काफी मिल जाएंगे आपको सेंटीमेंट के बेसिस पर, आपको काफी सारे मिल जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे घूम के आएगा, ये चीज को ध्यान रखना। यहां पे आने के बाद हो सकता है कि सपोर्ट ले, हो सकता है कि वो ब्रेकडाउन दे, बट वो ब्रेकडाउन देगा कि ब्रेक सपोर्ट लेगा वो भी पता चल जाता है, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं। ये कह रहा हूं ना कि यहां से एक स्ट्रेट अपसाइड गया था, वहां पे सस्टेन किया और उसके बाद नीचे जो गिरने लग गया ना, तो ये क्लियर है, जो ध्यान रखना जब नीचे गिरने लग जाएगा तब जाके टारगेट निकलता है, क्योंकि हो सकता है कि यहां तक गया सस्टेन किया, थोड़ा सा ऊपर और गया, जब वो नीचे गिरने लग जाएगा तब मेरा टारगेट हो जाता है कि हाँ मार्केट अब यहां तक आएगा, टारगेट अब यहां पे आने के बाद टारगेट फुलफिल अचीव हो चुका है, अब यहां से आप भी जा सकता है, इसको ब्रेक करके डाउन भी जा सकता है, तो ये आप जाएगा ये डाउन जाएगा ये भी पता चल जाता है, फिबोनाची लेवल, और जो आपको 4 पॉइंट दिया था, आपको 4 पॉइंट के बेसिस पे ये भी पता चल जाता है, ये भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, चीजों का ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट को हमेशा आप साथ में रखकर चलना, आप ये मानकर चलिए आपका दोस्त है, ठीक है। तो चलिए मैं एंड करता हूँ इसको, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।